हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट लड्डू। इसे हम पीनट से बनाएंगे, जिसे मूंगफली या बादाम भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये स्पेशली बच्चों के लिए है। इसे किसी भी ओकेजन या कोई भी त्यौहार हो उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मूंगफली को डालेंगे। ये मूंगफली हमारी कच्ची है, इसे हम लो फ्लेम पे या धीमी आंच में हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे, जिससे हमारी मूंगफली कच्ची ना हो और इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा आएगा। अब हम एक बर्तन में थोड़े से काजू लेंगे, 6 या 7 पीस। इसे हम हल्का दरदरा क्रश कर लेंगे। इसे बहुत महीन नहीं करना है और हमें इसे क्रश करके रखेंगे, जिससे हम चॉकलेट लड्डू के ऊपर गार्निश करेंगे। अब हमारी मूंगफली जो है वो भुन गई है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली एकदम हमारी महीन पीसी होनी चाहिए, जिससे लड्डू बनाने में आसानी होगी। अब हम इसमें 2 या 3 पैकेट चॉकलेट सिरप ऐड कर रहे हैं। आप इसकी जगह पर नॉर्मल चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल चॉकलेट को आप गर्म दूध में हल्का मिला लें, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप मार्केट में आसानी से मिल सकती है। आप इसकी जगह पर डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने चॉकलेट सिरप इसमें पीनट में डाल दिए हैं। इसे हाथों से मिलाएंगे और एक अच्छा डो बना लेंगे। जैसा आटा गूंदते हैं हम, वैसे इसे हम गूंद लेंगे और एक थोड़ा हार्ड डो बना लेंगे। देखिए, एक अच्छा सा डो बन गया है। अब हम चॉकलेट के लड्डू के अंदर फिलिंग के लिए मावा यूज़ कर रहे हैं। ये मावा आप घर में भी बना सकते हैं। इसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम डो में से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसे हम हाथों में दबाते हुए चारों तरफ फैलाएंगे, जिससे इसके अंदर हम मावे के जो बॉल्स हैं उसे भर सके। इसे हम धीरे धीरे प्रेस करेंगे दोनों अंगूठों से और इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम इसके अंदर मावे के जो बॉल्स है उसे रखेंगे और चारों कोनों से दबाते हुए इसे गोल शेप देंगे। इसे हमें लड्डू का शेप देना है। इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए गोल शेप देंगे। इसमें हम अलग से कोई भी शक्कर यूज़ नहीं कर रहे हैं। चॉकलेट सिरप का यूज़ किया हमने। ये ऑलरेडी मीठे होते हैं और स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अब हम लड्डू को काजू जो क्रश करके रखे थे उसे हल्के हाथों से दबाते हुए काजू से गार्निश कर लेंगे, जिससे ये मुंह में जब आएंगे तो बहुत ही क्रंची रहेंगे और ये स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये लड्डू मैंने स्पेशली जन्माष्टमी के लिए बनाया था। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे एक बार घर में ज़रूर बनाएं। ये देखने में एकदम मार्केट जैसे होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने इसमें फूड कलर से गार्निश कर लिए। ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इसमें बहुत ही हाई प्रोटीन होते हैं, तो स्पेशली ये बच्चों को ज़रूर खिलाएं और ये बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।